आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, प्रथम चरण का नामांकन समापन हो चुका है और द्वितीय चरण का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बीटी न्यूज के माध्यम से हर एक पंचायत में जा जाकर चुनावी दंगल हो रहे हैं, लोगों से राय विचार जानी जा रही है। तो अभी इसी माध्यम से अभी हम मौजूद हैं बछवाड़ा प्रखंड के अरबा पंचायत, और अरबा पंचायत की उस सड़क से जो अरबा चौक से मजोश डी हादीपुर मलीपुर होते हुए अतरुआ को मिलती है, और जिस सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर है, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना अरबा से अपने अपने अरबा चौक पर से अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं टूटी सी सड़क है, कहीं एक तरफ पूरा फटा हुआ है कि कई प्रकार की स्थितियां से जर्जर है इस सड़क। लोग किसी तरीके से रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर अपने अपने घर को जाते हैं। इस सड़क में कई अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, इस सड़क में कई अनेक दुर्घटनाएं होती है और कई घटना होती है, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्रीय नेताओं को इस पर ध्यान नहीं पड़ा। जो हमारे प्रतिनिधि जीते हुए थे उन्हें इस पर ध्यान नहीं पड़ा। यहाँ से रोजाना हजारों की संख्या में रोज जाना इस सड़क से लोग गुजरते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर घर पहुंचते हैं। अभी फिर 2020 बिहार विधानसभा चुनाव है और लोकतंत्र का महापर्व है। इस लोकतंत्र के महापर्व में फिर इस सड़क के विकास के लिए आम जन से समर्थन मांगा जा रहा है। इस सड़क के विकास के लिए आम जन से समर्थन मांगा जा रहा है। क्या चुनाव से पहले इस सड़क के विकास के प्रति ध्यान नहीं था? क्या चुनावी एजेंडों में ही इस सड़क का निर्माण, इस सड़क का विकास सोच और समझ में आता है? 2011 में इस सड़क का निर्माण हुआ था और 2011 से लेकर अभी 2020 है। 2020 में इस सड़क की यह करीबन 6-7 किलोमीटर लंबी सड़क है जो यहाँ से अरबा चौक से मलीपुर तक मिलती है, अतरुआ तक मिलती है, और इस सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर है। और इस बार फिर चुनावी एजेंडे में जो उम्मीदवार हैं इस सड़क के प्रति विकास को लेकर आम जन से समर्थन मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। क्या यही विकास है बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का? जो जब जब चुनाव आते हैं चुनावी एजेंडों में सड़क, सड़क के अलावा कोई और विकास नहीं है, सड़क के अलावा कोई और विकास नहीं है। 2015 महागठबंधन की एक अलायंस बनी थी आरजेडी कांग्रेस और जदयू की, जिसमें हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार जो बीते कुछ दिन पूर्व उनका निधन हो गया स्वर्गीय रामदेव राय जी यहां से विजयी हुए थे, उनके नॉलेज में भी यह सड़क थी, लेकिन इस सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, ना इस सड़क के प्रति कोई ध्यान दिया गया। ऐसा क्यों? एजेंडों में ही सड़क का निर्माण है? क्या सिर्फ चुनावी एजेंडों में ही इस सड़क की विकास उम्मीदवारों को नजर आती है? क्या इससे पहले जो उम्मीदवार अपना समर्थन आम जन से मांग रहे हैं, क्या कभी इधर के आम जनों से आकर पूछा कि आपको क्या कठिनाइयां होती है? आ गया है लोकतंत्र का महापर्व, और इस लोकतंत्र के महापर्व में सिर्फ वादे नजर आती है आपको? अगर इन वादों से पहले आप अगर इन विकास के प्रति ध्यान देते तो इस सड़क की यह दुर्दशा नहीं होती, इस सड़क की यह दुर्दशा नहीं होती। तो ऐसे विभिन्न सड़क हैं बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। कल बीटी न्यूज के माध्यम से आपको दिखाया गया, जब चुनाव नजदीक आया तो बछवाड़ा बाजार से भीखमचक
तो मिलने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ 20/8/2020 को सड़क का शिलान्यास करवाया गया जब चुनाव नजदीक आया। और फिर जब चुनाव नजदीक आया तो इस सड़क के विकास के प्रति उम्मीदवार आम जन से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन कभी इस क्षेत्र में आकर आम जन से यह नहीं पूछा कि आप किस तरीके से रोजाना जाते हैं। जब बारिश होती है, मैं भी इस सड़क से क्रॉस करता हूँ, जब बारिश होती है तो कई जगह गड्ढे हैं जो लोग अपनी जान जोखिम डालकर घर को जाते हैं। तो मैं ऐसी और आपको विभिन्न सड़कों से अवगत कराऊंगा। जो अभी उम्मीदवार है वो उम्मीदवार विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और जब हमारे विधायक स्वर्गीय रामदेव राय जी भी थे, उनके नॉलेज में भी यह सड़क थी, लेकिन इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया गया। कब होगा बछवाड़ा विधानसभा का विकास? कब आएगा बछवाड़ा का तारनहार जो विकास के नाम पर विकास करेगा, ना कि विकास के नाम पर आमजनों से वोट मांगकर फिर पटना जाकर सो जाएगा। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बीटी न्यूज बिहार।